हवी ते काय देऊ तुमच्या मेलबॉक्स मध्ये थेरॉटिकल फ्रेमवर्क नाही पाठवणार की बाबा हे घे, नाही तुम्हाला स्वतःला करावं लागेल, चांगले मित्र चांगले सहकारी त्यांच्यासोबत डिस्कस करून त्याला रिफाईन करावं लागेल. काही गोष्ट इनकरेक्ट आणि करेक्ट नसते, ती ऑप्टिमम असायला असणं आवश्यक आहे. नाउ जैसा अभी मैंने बताया, डिस्क्राइब व्हाट डिस्कशन ऑन द सब्जेक्ट एग्जिस्ट विद इन द लिटरेचर. ये हम लिटरेचर में से ढूंढ सकते हैं. एक्सप्लेन व्हाट मेथड थ्योरी मॉडल अदर ऑथर हैव अप्लाइड. जैसे मैंने बोला कि मेथड और मॉडल अलग अलग हो सकते हैं सेम सब्जेक्ट के लिए, ना. जैसे आपको बुखार आया तो क्रोक्सिन भी मिलती, टाइलिनॉल भी मिलती, पैरासिटामॉल मिलती, आणि मग आपल्या गरम पाण्याच्या पट्ट्याही भेटतात गरीब लोकांकडे. तर ते इन डुईंग सो ऑलवेज आर्ग्यू वाय अ पर्टिक्युलर थेरी और मॉडल इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर यू. ये मैंने किया है, मैं अक्सर ये करता हूँ. म्हणजे माझ्या ताटामध्ये जो 25 पदार्थ वाढले आहेत, तर मी नक्कीच सांगेल की याच्यातले 10 पदार्थ मला का नको आहेत, की माझ्या तब्येत करता ते कसे चांगले नाही राहणार, किंवा हे बाकीच्यांसोबत जर खाल्ले तर माझी टेस्ट कशी बिघडणार, हे आवर्जून लिहायचं. म्हणजे समजा 25 थेरी असतील तर तुम्ही सांगायचं, द रिसर्चर और द ऑथर इज फील दॅट गिवन द इंट्रिकेसी अँड गिवन द टाइम फ्रेम ड्युरिंग विच दी सो कॉल्ड सो सो थेरीज वेर डेजिग्नेटेड, द कॉन्टेक्स्ट हैव चेंज इन दिस पर्टिक्युलर मैप, हेंस रिसर्चर वुड लाइक टू प्रोसीड विद दिस पर्टिक्युलर थेरी विथ अ स्लाइट मॉडिफिकेशन ऑफ हिज ओन. बूम, आपका काम हो गया, आपको कोई चैलेंज नहीं. हे बघा, थेऱ्या या इवॉल्व होतात बरं का. अहो मला सांगा, जेव्हा औद्योगिक क्रांती झाली तेव्हा जॉब सॅटिस्फॅक्शनची व्याख्या वेगळी असेल. आज 21व्या जॉब शतकात जॉब सॅटिस्फॅक्शनची व्याख्या वेगळी आहे. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट, अभी वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया, अभी जॉब सॅटिस्फॅक्शन की व्याख्या वेगळी हो गई. हाँ, तो थेरी तो आएंगी ना, अभी आएंगी आप एखादी नहीं. या थेरा इवॉल्व, आणि हे कोण करतं, अकॅडमी, तुमच्या आमच्या सारखे रिसर्च स्कॉलर्स, तो आपको एलिमिनेट कर रहा है. देन एनालाइज सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन योर ओन रिसर्च एंड अर्लियर स्टडी. ये थोड़ा एक एडवांस स्टेप होता है कि आप कहाँ सिमिलरिटीज देखते हो और कहाँ आप सोचते हो कि आपकी स्टडी थोड़ी सी उनसे अलग हो सकती है. और आप में अगर बहुत ही कॉन्फिडेंस है तो फिर आप बोलो कि मेरा ये स्टडी ये नया नॉलेज जनरेट करने की काबिलियत रखती है, उसका भी स्टेटमेंट आप लिटरेचर में या आपके थ्योरेटिकल फ्रेम. पण जर माहित नसेल तर हे देऊ नका, चुकीचं देणं अयोग्य आहे. ठीक आहे, हे बघा, हे आता कॉलम वाईज तुम्ही तुम्हाला सांगितलं. हा, नाउ मोस्ट सिंपल वे, इट कॅन बी ड्रॉन युजिंग अ ग्राफिक, दॅट आय प्रिफर. त्यांनी काय होतं ना, मेरे को मालूम है मैंने क्या लिखा और मेरे को समझता है, दूसरे को समझा तो ठीक, नहीं समझा तो बहुत अच्छा. वो लिखा भी जा सकता है अप टू 5 पेजेस, पर लिखना ये बहुत बहुत डिफिकल्ट है. मैं रादर एक A4 पन्ने के आधे पन्ने में डायग्राम बनाता और आधे पन्ने पे उसको इलेबोरेट करता, मेरा TF हो गया. मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगा, मेरे पास बहुत सारे TF है, उतना मेरे लिए सफिशियंट है और वो चलता. अपने को बहुत ज्यादा उसमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड होगा तो फिर ना आपको समझेगा ना उसको समझेगा, आणि तसं नसतं. म्हणून तुमचं टायटल हे खूप अत्यंत. आता बघा, एक सॅम्पल थेरॉटिकल फ्रेमवर्क आहे. बापरे, 6:15 का, थांबा पाण्याचे 2 घोट पिऊ द्या. हे थोमासचं कस्टमर सॅटिस्फॅक्शनचं मॉडेल आहे. आता परत, कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन इज अ कॉन्सेप्ट इन मॅनेजमेंट. वेक, कुछ लोगों को कम पैसे में मिला तो वो सेटिस्फाइड है, कुछ लोगों को अमेजोन की डिलीवरी 2 दिन पहले मिली तो वो सेटिस्फाइड है, कुछ लोगों को क्वांटिटी बहुत ज्यादा मिली तो. तेरा जितक्या व्यक्ति तितक्या प्रचिती. तर थोमॅसिनी काय केलं, त्यांनी हे फ्रेमवर्क बनवायच्या आधी, सॉरी मैं अभी हिंदी बोलता, उसने फ्रेमवर्क बनाने के पहले कुछ बेसिक प्रीमाइसेस लिए कि एक कस्टमर सेटिस्फाइड कस्टमर के तरफ एक नॉर्मल कस्टमर सेटिस्फाइड कस्टमर कैसे बन सकता है. तो उसने क्या किया, सबसे पहले आता है वैल्यू प्रोपोजिशन. मुझे अगर 1200 रुपए में फ्लाइट का टिकट मिलेगा 50% डिस्काउंट में, तो वो मेरे लिए वैल्यू है,
मला आनंद होईल की मला 50% डिस्काउंट मध्ये मिळालं. सो व्हॅल्यू इज देअर. नाव व्हॅल्यू इज बेस्ड ऑन टू थिंग, नीड एक्सपेक्टेशन आणि अनुभव. तो उसने सबसे पहले वैल्यू प्रपोजिशन नीड एंड एक्सपीरियंस पे डिफाइन किया. हाँ, उसने क्या किया, चार मेजर पैरामीटर लिए, ये दो को सब्सटेंशिएट करने के लिए. वर्ड ऑफ माउथ. हाँ, मेरे को श्वेतम गुप्ता ने बोला कि वर्धा रोड पे फलाने रेस्टोरेंट पे बहुत अच्छी चिकन करी मिलती है. मैं गया, मुझे अच्छा लगा, मैंने और चार लोगों को बोला और पांच लोगों को बोला. सो वर्ड ऑफ माउथ. सेकंड, पर्सनल नीड. मुझे एक पर्टिकुलर टाइप का ही खाना अच्छा लगता है, एक पर्टिकुलर टाइप की चीज लगती है, वो मुझे वही मिलती है, मैं वहीं से लूंगा. सो आई एम लॉयल टू दैट. थर्ड, पास्ट एक्सपीरियंस. आई बीन देयर कपल ऑफ टाइम, एवरी टाइम आई वेंट आई रियली लाइक्ड इट, सो आई एम लॉयल टू दैट. एंड देन मार्केटिंग एंड पीआर. उनका अच्छा एड आता है, उनके प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, मैंने प्रोडक्ट लेके देखा है, इट इज ओके. ये चार और ये दो लोग उसने क्या किया, वीकली अचीवमेंट. हे बघा, कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन हे काही ॲब्सोल्यूट नाही आहे बरं का. आता तुम्ही सॅटिस्फाईड आहात, उद्या तुम्ही अनसॅटिस्फाईड राहू शकता. मैं आपको मेरा एक वैयक्तिक एक्झाम्पल देता हूँ. आपको अगर नागपूर में बेस्ट चाय पीने की है ना, तो वो लक्ष्मीनगर का चौक है ना, 18 चौक के पहले का, वहां पे LIC ऑफिस के नीचे वो चाय वाला है. 12 महीने वही चाय, उतनी ही क्वांटिटी, वही टेस्ट, वो परफेक्शन है. वैसे ही आपका देवनगर का राजेश समोसा वाला, सेम टेस्ट, सेम क्वालिटी, सेम क्वांटिटी, देयर इज नो डेविएशन व्हाटसोएवर. सो कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड परपेचुअली. बट इन रियल लाइफ ये पॉसिबल नहीं है, इतनी कंसिस्टेंसी मेजर करना. तो उसने उसको वीकली बेसिस पे मेजर किया आणि हे त्याचं थेरोटिकल फ्रेमवर्क झालं. आता तुम्ही म्हणाल, सर इसमें थेरी कहाँ है? ऑफकोर्स, अब ये एक रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकल कि उसका, उसने ये डेवलप किया है. बट आप अगर इसमें थेरी डालोगे, से फॉर एग्जाम्पल वैल्यू प्रपोजिशन पे यहाँ पे डालोगे कि कौन सी थेरी है, देन आप मार्केटिंग पीआर और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के कंसेप्ट इंटर रिलेट करने वाली कौन सी थेरी है, पर्सनल नीड की कौन सी थेरी है और वर्ड ऑफ माउथ की कौन सी थेरी है, इट विल लुक लाइक अ गुड थेरोटिकल फ्रेमवर्क. हे एवढा सोपा आहे अंजली मॅडम, इट इज नॉट डिफिकल्ट. पण त्याच्या आधी विचार करायचा पडतो, एक दोन तीन चार बनवून पाहिजे, मग त्याला रिफाईन करायचं. जसे लोक गाणे लिखते या फिल्म की स्क्रिप्ट लिखते, वैसा ये है, टाइम लगेगा पर ये बनेगा. क्लियर? अब आते हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क. कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क यू कैन डेवलप बाय युअर सेल्फ. ओके, यू वुड इनएविटेबली यूज सम if not all concept that this particular theory operate with. क्या होता है, एखादी थेरी, तर हे थोडं तुम्हाला कळायला किती सोपं जातं मला माहित नाही. एक थेरी चालते, तुम्ही कोणती थेरी घ्या, थेरी ऑफ ग्रॅव्हिटी घ्या किंवा अजून कोणती थेरी ऑफ कंबशन इंजिन घ्या, काही घ्या, त्या थेरीला जोडलेले काही कन्सेप्ट असतात. ठीक आहे, पण बरेचदा काय होतं, काही कन्सेप्ट असे असतात की वो थेरी जिस पे चलती है उससे वो रिलेटेड नहीं रहते. मतलब क्या होता है, नॉट ऑल द कंसेप्ट दैट दिस थेरी ऑपरेट विथ, देर आर सर्टन अदर कंसेप्ट दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ द थेरी, और वो लेके अगर आपने कुछ बनाया तो वो हो गया आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क. गॉट इट? थेरोटिकल फ्रेमवर्क मतलब एवरीथिंग दैट इज बेस्ड ऑन थेरी. कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क मतलब इफ देर आर सर्टन कंसेप्ट विच आर नॉट पर्टिकुलरली ऑपरेटिंग विथ अ थेरी एंड यू आर डेव्हलपिंग अ फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन दॅट, इट बिकम्स अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क. सो सोप्या भाषेमध्ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो होता है वो एक ऑथर अपने आप डेवलप कर सकता है, जो थेरी बेस्ड भी हो सकता है पार्शियली बट नॉट ऑल. थेरोटिकल फ्रेमवर्क ऑन द अदर एंड इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द थेरी. अंबा एकदम ही स्लाइड का आली. हाँ हे ठीक है, दिस इज ऑल्सो फाइन.
थेरी कंस्ट्रक्शन मध्ये सुद्धा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कैन बी यूटिलाइज। सो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये देखना है कि थियोरटिकल फ्रेमवर्क का जो सवाल आएगा इट इज बेस्ड ऑन ए ग्राउंडेड थेरी, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का जो सवाल आएगा इट इज अ पार्शियली बेस्ड ऑन थेरी बट सर्टन कंसेप्ट विच आर नॉट बी पार्ट ऑफ थेरी एंड इट इज डेवलप बाई द रिसर्चर हिमसेल्फ। कई बार आप मेरे एक दो रिसर्च पेपर है, मैं बहुत कम लिखता हूँ पेपर, पेपर का टाइटल भी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, आपको गूगल पे मिलेगा, मैंने बनाया, मैंने रिकमेंड किया, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है बिकॉज इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन दी थेरी बैक देन। ये 2012 13 14 याद नहीं कब का है वो। तो टी एफ आणि पी एफ हे आपल्याला सी एफ हे आपल्याला करता लागेल। आता आपल्याकडे 10 मिनिटाचा वेळ आहे, तुम्हाला काही कळलं नसेल, काही अजून जाणून घ्यायचं आहे, काही मनात प्रश्न आहेत, काही डाऊट क्लिअर करायचे आहेत, फील फ्री टू आस्क मी। पूछिए, बेझिझक होके पूछिए। हाँ सर, ऑफ लिटरेचर एंड टाकी सर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या एक्सपेक्टेड है सर? ये देखो, ये प्राची मैडम ने एक अहम सवाल पूछा है वो शायद आज तक मेरे को किसी ने पूछा नहीं है मेरे जानकारी में। उनका सवाल ये है कि लिटरेचर रिव्यू में क्या एक्सपेक्टेड है। अब इसका मैं आपको जवाब दूंगा, इट अगेन स्टार्ट विद द टाइटल ऑफ योर थीसिस, कीवर्ड एंड कंसेप्ट। मतलब अभी आपको कैसे बताऊं, ठीक है, कि आपके टाइटल में जितने भी कीवर्ड है और जितनी भी थ्योरीज है वो सब थ्योरीज का इंकॉर्पोरेशन, उनका डेफिनेशन, एक थ्योरी फलाने ने बोली, एक थ्योरी फलाने ने बोली, एक थ्योरी फलाने ने बोली, ऐसी 4-5 मेजर थ्योरी ऐसे एक वर्ड की, तो आपकी 15-20 थ्योरी तो यहीं पे हो गई। फिर आपने कंसेप्ट, हाँ कंसेप्ट के 5-6 थ्योरी हो गई, फिर इंटर रिलेशन के 2-3 थ्योरी हो गई। नाउ सेकंड आएगा डेफिनेशन, आप आपके थीसिस में किन चीजों की डेफिनेशन किस तरीके से ले रही हो, फिर उसको आपका राइटअप आएगा कि ये थ्योरी में इसने ऐसी डेफिनेशन की थी, इसकी ऐसी थी, इसकी ऐसी थी, ये सगळं पास्ट टेन्स मध्ये लिहावं लागतं बरं का, लिटरेचर रिव्ह्यूचा चॅप्टर। हा असा प्रेझेंट टेन्स मध्ये नाही लिहावं लागत, हा लोकांनी केलेलं काम त्याचा आढावा, त्याच्यावर केलेलं विश्लेषणात्मक, मला मराठीचा शब्द येतो की नाही माहित नाही, पण एक त्याचं विश्लेषणात्मक त्याचा अनालिसिस आहे बेसिकली हा। मग माझ्या डेफिनेशन काय आहेत, वाय माय डेफिनेशन आर लाईक दिस ॲज कम्पेअर टू दी अदर, देन इफ यू आर गोइंग टू मेजर समथिंग, क्वांटिफाय समथिंग, हां अगेन यू गो इन टू लिटरेचर अँड सी हाऊ अदर्स हॅव मेजर्ड अँड हाऊ यू आर गोइंग टू मेजर इट, दॅट्स ऑल। सो अगर आपको बहुत रिच कॉन्टेक्स्ट रिच लिटरेचर रिव्ह्यू करना आहे ना, 8 पानं खूप झालेत मॅडम, 12 तर तुम्ही सिक्सर मारला। इसलिए मैं बोलता हूँ जिसने लिटरेचर रिव्यू परफेक्ट लिखा, कभी आप मेरे को मिलो, मैं मेरी खुद की तारीफ नहीं करता, मेरे थीसिस के आप 14-15 पन्ने पढ़ लो, मैं आज भी मुझे बहुत खुशी होती है कि ये मैं कर पाया या ऊपर वाले ने मुझे ताकत दी ये करने की या मुझे समझाने वाला। देखो मैं बहुत लोगों को जाके मिला, बहुत समझा, लोग ढूंढना ये मेरी खासियत है, तो आप ढूंढिए। पण जनरल तुम्हाला एक सोपं उदाहरण देतो मॅडम, काही वेबसाईट्सवर जा युरोपच्या, त्यांचे वाचा, मी स्वतः इतके वाचलेत, मग ते वाचून आपल्याला कळतं की आपण असं केलं पाहिजे। जरी तुम्हाला कोणी योग्य सल्ला देणारे लोक नसतील ना, आपण इंटरनेटचा वापर करायचा, तासन तास बसायचं, काढायचं, वाचायचं, मग आपल्याला त्याच्यातनं मार्ग मिळतो। आय ऑलवेज टेल माय स्टुडंट, ट्राय टू बी ए सिद्धार्था, आस्क युअर सेल्फ क्वेश्चन, फाइंड युअर ओन वे अँड यू फाइंड इट अँड नेवर गिव्ह अप। तर अशा पद्धतीने तो लिटरेचर त्याचा फॉर्मॅट कुठेही नाही आहे मॅडम, पीएचडी थीसिस में किसी भी सिंग्युलर चॅप्टर का कहीं भी फॉर्मॅट नाही दिया गया, नेवर, नो वेअर, वी हॅव टू पुट इट अँड इट हॅज टू बी सीमलेस। जो कल हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे ना,
वो सीमलेस होना चाहिए। तो मैंने मेरे इसमें क्या किया था, मैं आपको थोड़ा इलेबोरेट करता हूँ। हाउ डेफिनेशंस हैव इमर्ज, मेरे टॉपिक में पहली डेफिनेशन 1943 में आई थी। तो मैंने 1943 से लेके एंड 90 तक डेफिनेशन इमर्ज कैसी हो, हाँ त्याचं टॅब्युलर आणि ॲरो ॲरो फॉर्म मध्ये दिलं होतं, मग त्याच्यातले पॅरामीटर कसे चेंज होत गेले, असे मी 3-4 पानाचे खूप मस्त चार्ट बनवले होते। आणि मग मी लिहिलं की याच्यातलं मी का घेईन, कसं घेईन, काय डन खतम। इतना मैंने आसानी से किया था, पर वो आई वॉज लकी इनफ टू फाइंड सम गुड रिसर्च पेपर। त्याच्यात एक काय यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स, वहां का उन्होंने एक मेरा पेपर कहीं पे देखा था, तो वो गाइड और उसकी कोई स्टूडेंट थी, वो मेरे टच में आ गए थे। आणि मी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बद्दल बोलतोय कारण हा खूप नवीन टॉपिक आहे, तर त्यांनी माझी खूप मदत केली, विच आय एक्नॉलेज देम बिकॉज दे वॉन्टेड टू डू समथिंग इन इंडिया, तो उनकी हेल्प मिली, वो बाय ग्रेस ऑफ गॉड बोलिए जो भी बोलिए। तो आप अलग अलग डेफिनेशन, उनको क्रिटिकल कंपेयर करो, मैं कौन सा यूज करूंगा और उसमें वेरिएबल कैसे कैसे चेंज होते गए, है ना। आता बघा, आपण जर म्हटलं इंडस्ट्रियल रिव्होल्यूशन के टाइम जॉब सैटिस्फैक्शन में आपके फैक्ट्री प्रीमाइसिस में फूड कोर्ट या खाने की जगह होनी चाहिए, पब्लिक टॉयलेट होनी चाहिए, ये तब की डेफिनेशन थी। आज ये लागू नहीं होती ना, आज कायदा आला आपल्याकडे, ये सगळं असावं, मॅटर्निटी लीव असावी, पेड लीव असावी, आज जॉब सॅटिस्फॅक्शन खूप वेगळं झालं आहे। तर मी जर जॉब सॅटिस्फॅक्शन वर काम करत असेल ना, तर मी हे 100 वर्षाच्या व्याख्या शोधून काढेल, स्पेशली पहिल्या व्याख्यान आत्ताच्या व्याख्या, त्याच्यात तफावत एक्सप्लेन करेल की असं का झालं आणि मी कुठे चाललो हे मी दाखवेल। ये जो कॅन्डिडेट कर सकता है ना उसको मेरा सलाह, ये हो सकतं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप उसको कितने पहलू गिराते हैं और उसको कार्बन से हीरा कैसे बनाते हैं, वो आपका थीसिस है। यू मस्ट बी प्राउड टू शो इट टू योर ग्रैंड चिल्ड्रन, ये मेरा काम है बेटा। हाँ, तो मेहनत करो, मेहनत, ओनली हार्ड वर्क, दैट्स इट। एनी क्वेश्चन? और किसी को कुछ पूछना है? ओके, सो सर वी विल स्टॉप टुडेज सेशन हियर, आई थिंक देर आर नो क्वेश्चंस। आई एम ऑडिबल? कुछ कंसेप्ट ये थ्योरी के बाहर रहते हैं, तो आपको अगर लगता है कि ऐसे कंसेप्ट को आप आगे चल के थ्योरी में डालना चाहोगे और उसको लेके अगर आप कुछ बनाना चाहोगे तो वो हो जाएगा आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। पूछिए, वन बाय वन चलो। हाँ तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हाइपोथेसिस का जो कंसेप्ट वो फिर से क्लियर कर दीजिए। आपको शायद एकता जी, आपको हाइपोथेसिस पढ़ाने के लिए कोई फैकल्टी आएगी, पर यस मैं सर, अपने सर इस पर अलग एक इसमें लेक्चर होने वाला हाँ है मैडम, तब आपके हाँ कंसेप्ट्स ये क्लियर तो हो होगा। जाएंगे हाइपोथेसिस पे। हाइपोथेसिस का सिंपल मतलब है कि आपने आपका थीसिस चालू करते वक्त आपके मन में क्या ख्याल है कि इसका आउटकम क्या आएगा। जैसे आप खाना बनाने का शुरुआत करती है तो आपको लगता है ना मेरा खाना अच्छा बनेगा, तो आपको लगता है कि मेरा थीसिस भी अच्छा बनेगा, बट अच्छा बनेगा मतलब उसकी फाइंडिंग क्या आएगी, उसको टेस्ट करने के लिए जो हम चीजें लिखते हैं उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। हेलो हाँ सर, बोलिए। सर अपना जो रिसर्च वर्क है, सपोज इट इज एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वर्क, हाँ सो इन दैट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वर्क व्हाट इज द रोल ऑफ द पॉपुलेशन एंड द सैम्पलिंग? वेरी गुड वेरी गुड। अभी ये माधव ने मेरे को सवाल पूछा, यही सवाल मेरे को एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में एक साइंस के कैंडिडेट ने पूछा था, सर मैं एक्सपेरिमेंट एक बार करूं, 100 बार करूं, 200 बार करूं, पूनम की रात करूं, दिवाली की रात करूं, गणपति की रात करूं, देर इज नो आंसर टू दैट। देर इज नो रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल इन अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड इन अ कंट्रोल्ड एनवायरमेंट इन अ लेबोरेटरी। हैविंग सेड दैट,
A candidate must be fully aware of all the parameters being undertaken and studied carefully under the controlled environment. Secondly, the consumable of use must be of the utmost potency or the quality. And most importantly, all measuring tools in the laboratory should be calibrated from time to time. And if you conduct that experiment more than 10-20 times and you are getting the same outcome within a zone of tolerance, then you don't need to do that work anymore. भाव लोग साइंस में रिसर्च करना बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ, मेरी गलती हुई कि मैंने इंजीनियरिंग में नहीं किया रिसर्च, और ये नॉन साइंस में रिसर्च करना है बहुत दिक्कत वाला काम है. तुम्ही तुमचा प्रयोग करा, एकदा करा, दहावा करा, तुम्हाला तेच रिझल्ट मिळतात, काम खतम. हाँ, पण तिथे तुम्हाला जस्टिफाय करावं लागेल, तुम्ही प्रयोग तसा का करता, दुसऱ्या पद्धतीने का नाही केला, दुसऱ्या पद्धतीने केलं असं तर काय नाही होऊ शकतं, याचं थोडं विश्लेषण तुम्हाला द्यावं लागेल. सायन्स वालों के लिए ये बहुत 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 आसान है, आपको कुछ नहीं करना है. थैंक यू सर, थैंक यू. हेलो सर. हाँ सर, कोण योगेश निमजे बोलतोय का, निमगडे की मनोज बोल? हाँ हाँ, योगेश निमगडे सर बोला. हाँ योगेश बोल, ठीक है, कौन बोलता है? हाँ ठीक. आणि इंडक्टिव थिअरी हे सारखीच आहे का? नाही, एकच आहे का? इंडक्टिव थिअरी आणि इंडक्टिव थिअरी नाही 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 वेगळे डिडक्टिव्ह आणि इंडक्टिव्ह. हा, डिडक्टिव्ह आणि इंडक्टिव्ह हे उत्तर आणि दक्षिण ध्रुव आहेत, दोन वेगळे आहेत. एकामध्ये आपण जनरल टू स्पेसिफिक ला येतो, दुसऱ्यामध्ये स्पेसिफिक टू जनरल, म्हणजे नागपूर टू मुंबई, मुंबई टू नागपूर, याचा उलटा आहे दोन. उभी मग हे बरोबर असेल, अरे तुझा आवाज, तुझा आवाज ब्रेक होतोय, मला व्यवस्थित ऐकू येत नाही, परत बोल ना काय म्हणतो. हॅलो. हा उपयोगी मॅडम, याचा आवाज बरोबर येईल. योगेश सर तुमचा आवाज कटतो आहे. योगेश सर ब्रेक होतोय. हा ब्रेक होतोय आवाज. आउट ऑफ डेट हे कोणासाठी बरोबर असेल? प्रीती मॅडम काय म्हणतात, मी आवका सर, मला पण नाही कळत आहे. सर तुमचा क्वेश्चन ना चॅट बॉक्स मध्ये लिहून पाठवा, कारण की तुमचा आवाज कटतोय योगेश सर. हा चॅट बॉक्स मध्ये लिहि बर, मी देतो त्याला. हा हा, इश्यू नेटवर्क इश्यू असू शकते. हा आता क्लिअर आहे सर? बोल 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 बोल. हॅलो. यस यस यस. हो हो बोल. आउट ऑफ नाही, परत तुझा आवाज ब्रेक झाला. आउट ऑफ डेट तू काहीतरी म्हटला, आउट ऑफ डेट म्हणजे काय, तुला म्हणायचं काय? हे बघा, रिसर्च करताना या दोन प्रिडॉमिनंट अप्रोचेस आहेत, हे या दोघांचं कॉम्बिनेशन आपण आपल्या रिसर्च वापरतो. त्याच्यामुळे डिडक्टिव्ह आणि इंडक्टिव्ह हे राहीलच, हे राहीलच, हे तर डिसअपिअर होत नाही. फक्त याचं कॉम्बिनेशन आपण कसं करतो आपल्या रिसर्च मध्ये ते महत्वाचं होतं. एक थेरी टेस्टिंग करता आहे आणि एक थेरी डेव्हलपमेंट करता आहे. ओके सर, आम्ही ऑडिबल? हा बोला. योगेश सर तुमचा आवाज येतोय पण खूप कटत कटत येतो आवाज. योगेश सर प्लीज पुट युअर क्वेश्चन इन चॅट बॉक्स. येस पॉसिबल. आय थिंक युअर व्हॉइस इज ब्रेकिंग, युअर व्हॉइस इज ब्रेकिंग. बोला मनोज सर, बोला. हा हॅलो सर, ऍज यू से दॅट दॅट इज अ कोरिलेशन कॅनॉट बी कन्क्लुझिव्ह, सो कॅन वी कन्सिडर इट फॉर द एक्सपेरिमेंटल वर्क ऑल्सो, मीन्स ऍज अ सायन्स स्टुडंट कॅन आय कन्सिडर इट फॉर द एक्सपेरिमेंट? येस येस, इट इज अ युनिव्हर्सल फिनोमिना आहे बरं का. कोरिलेशन यू कॅन्ट कन्क्लूड इट अनलेस यु नो. आता तुम्ही बघा, सिन्स यू बिलॉंग टू सायन्स फॅकल्टी, आय कॅन टेल यू फॉर अ सेम डिसीज मल्टिपल मल्टिपल मेडिसिन्स कॅन बी प्रिस्क्राइब ऑफ द सेम पोटन्सी.
statin. I am not saying I am changing the potency. I am putting 125 milligram each, but I have 5 different medicine and I am treating the same. What happens, out of 5, only 3 have the quicker effect, but 2 do not have. So the correlation is there, but you can't say beyond that. त्याच्या पुढे तुम्हाला काही सांगता येत नाही. जे तुमचं ऍट्रोव्हिन आहे ना, काय ते नाका टाकाचे ड्रॉप काय म्हणतात त्याला, कोणतं ते ऍट्रो काय ऍट्रोव्हिन काय जे नाकात ड्रॉप टाकतात ना, ते कोणतं औषध आहे? ऍट्रोव्हिन. ऍट्रोव्हिन हा, वो उसने प्रूव करके बताया कि 2 सेकंड या क्या 20 सेकंड के अंदर नाक खुलता है. तो होता काय, दीज आर ऑल कोरिलेशंस इन व्हिचएवर कॉन्टेक्स्ट यू सी इट. अगर उसको हमने इंटरप्रिट वैसे ही किया तो ठीक है, उसको अगर हमने वैसा कंक्लूड नहीं करना चाहिए. तुम इंटरप्रिट करो ना, कंक्लूड ना करो, तो दैट इज ही डेंजरस. ओके ओके सर, थैंक यू. तो आला का त्याचा प्रश्न, त्या मगाशी त्याचा आला का चॅट बॉक्स मध्ये? नाही सर, अजून तर नाही आहे. मग त्याला म्हणा उद्या विचारतील ते. ठीक आहे सर. सो थँक्यू सो मच सर फॉर टुडेज सेशन्स. टुमोरो वी विल कंटिन्यू विथ अदर आस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च. सो थँक्यू सो मच सर. यस सर, उद्या पण 10:30 हो सर. यस यस, थँक्यू सर. लिंक पाठवून द्याल मला. हो सर, येस. ओके थँक्यू. सो फ्रेंड्स, वी विल एंड विथ टुडेज प्री लंच सेशन. Just take your lunch. We will take a break of 30 minutes. Rather, अभी 5 मिनट ज़्यादा हो गए हैं, but please try to connect by 2 PM. From 2 PM, we will start with our post-lunch sessions. Okay? Hello. Yes. हाँ मैडम. Hello. Yes. हाँ मैडम, शुभांगी दहे को बोलते हैं. Hello. बोला. Hello. बोला. हाँ मैडम, माला attendance द्यायची होती ती ऑनलाइन. कारण मगाशी मी कनेक्ट नव्हती होत इथे, तर चालू ठेवली आहे मी आजची अटेंडन्स. बरं बरं, तर मी आता करू शकते ना मॅडम? हो हो हो. बरं बरं, ठीक आहे, थँक्यू. नाव आय एम एंडिंग द मीटिंग, प्लीज जॉईन ॲट 2 PM. हॅलो, थँक्यू मॅम. ओके मॅम.